हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बातें ना करते हो सबसे पहली टिप देख लेते हैं। सबसे पहली टिप है मशरूम को लेकर। जब भी हम मशरूम बनाते हैं ना, तो अगर हम इसको पानी में बॉईल करके एक उबाल लेकर बनाए ना, तो जो इसमें स्मेल सी आती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। साथ में आप इसमें हल्दी और नमक भी ऐड कर सकते हो, इससे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और बनने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो जैसे बच्चे होते हैं, नखरे करते हैं मशरूम खाने में, क्योंकि इसमें अजीब सी स्मेल आती है, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होती है ना, वो बहुत ही अलग तरीके से होती है। तो इसीलिए मशरूम में बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, जिसको खाने की वजह से बच्चे खाते नहीं हैं और इसको मना करते हैं। तो आप क्या कीजिए, ये स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप इसमें एक चुटकी भर नमक डाल दीजिए, साथ में इसमें हल्दी भी ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी हल्दी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। एक ही उबाल लीजिएगा, देखिए कितने सारे झाग इसमें बन गए हैं, और ये बहुत ही अच्छे से है ना बॉईल भी हो जाती है। साथ में जो इसका काला पानी है, बिल्कुल एकदम से ये क्लीन हो जाती है। तो जब भी आप मशरूम बनाओ, मटर मशरूम बनाओ, कोई सी भी सब्जी बनाओ मशरूम की, तो आप इस तरीके से बॉईल ज़रूर कीजिए, और फिर देखिए मशरूम का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छे से बढ़ जाएगा, और बच्चे भी इसको खाने से मना नहीं करेंगे। तो ये वाली टिप आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप है दोस्तों प्याज को लेकर। देखिए दोस्तों, जब ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे घर में प्याज आ जाती है ना, तो इसका क्या होता है ना कि इसमें ये अंकुरित होना स्टार्ट हो जाती है, यानी इसमें से पत्तियाँ सी निकलना स्टार्ट हो जाती है, एक तरह से जनरेट सी हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपके पास भी बहुत सारी प्याज है और आप इनको स्टोर करके रखना चाहते हो ना, तो आप बस एक काम कीजिए, जितनी भी प्याज है ना, जो ऊपर ऊपर वाला सिरा है ना इसका, उसको आपको क्या करना है, गैस पर गर्म करना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर गैस ऑन कर लिया मैंने, और जो ये ऊपर वाला सिरा है इसका मुंह वाला, तो आप इसको हल्का सा गर्म कर लीजिए, यानी जला लीजिए। इससे क्या होगा ना कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना ही ये जनरेट होगी, अंकुरित हो जाती है, जैसे कि इसमें पत्तियाँ सी निकलना स्टार्ट हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं होगा, और आपकी जो प्याज है बहुत अच्छे से फ्रेश रहेगी। तो यहां पर एक प्याज को मैंने करके दिखा दिया है, दूसरी प्याज भी देख लेते हैं। इस तरीके से आपको बस गैस की फ्लेम ऑन करनी है और ऊपर वाले सिरे को जलाना है, और फिर देखिएगा बिल्कुल भी आपकी प्याज है जो खराब नहीं होगी। तो ये वाली टिप है ना बहुत ही ज्यादा काम की है, आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत सारी प्याज है आपके पास और वो खराब होना स्टार्ट हो गई है ना, तो आप इस तरीके की टिप को फॉलो करके प्याज को खराब होने से बचा सकते हो। आई होप आपको ये वाली टिप भी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, इस तरीके के जो पंप वाली चीजें होती है ना, जैसे कि हैंड वॉश हो गया, या फिर लोशन हो गया, क्रीम वगैरह हो गई, या शैम्पू हो गया, तो क्या होता है, इसको जब हम ट्रेवल पर लेकर जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये आती है कि इसको टच करने से ही इसमें बहुत सारा सा लिक्विड, यानी कि क्रीम या फिर लोशन या शैम्पू वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप इसको बैग में कैरी करो ना, तो ये वाली टिप आप जरूर अपनाइएगा। अच्छी तरीके से पंप को खाली कर लीजिए पुश करके, और जो जितना भी इसमें एक्स्ट्रा लोशन लगा हुआ है ना, उसको आप साफ कर लीजिए और बॉटल के अंदर फिल कर दीजिए। पंप को है ना टच करने से ही इतना सारा जो लोशन है वेस्ट हो जाता है, और साथ में अगर हम ट्रेवल पर लेकर जा रहे हैं ना, तो फिर तो हमारा बैग वगैरह भी गंदा हो जाता है। तो आप इसको ले जाने से पहले ये वाला काम ज़रूर कीजिए, आप देखोगे कि बिल्कुल साफ रहेगा जो ये बॉटल है, और बिल्कुल भी मूव करने से है ना इसमें से एक्स्ट्रा जो लोशन वगैरह वो नहीं निकलेगा। तो आप देख सकते हो इसको खाली भी मैंने पुश कर रही हूँ, तो तब भी ये कितना सारा इसमें से बाहर आ रहा है। तो बस इस तरीके से इसकी सफाई कर लीजिए और फिर इसको पैक कर दीजिए। जितना भी एक्स्ट्रा आपका लोशन वेस्ट हुआ है, उसको हाथ पैरों पर अच्छे से लगा लीजिए। तो इस तरीके से बॉटल को क्लीन कर लीजिए और अपने बैग में रख लीजिए। अब आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि कहीं हमारा जो लोशन है कहीं निकल ना गया हो, या फिर हमारा बैग या पर्स कोई ख़राब ना हो गया हो। तो देखिए अब बहुत ही अच्छे से ये साफ हो गई है। तो ट्रैवल पर जाते समय इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। कैसी लगी ये टिप ज़रूर बताइएगा। पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है बेल्ट्स को लेकर। बच्चों के, बड़ों के, सबके बेल्ट हमारे घर में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनको अरेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी ले लेती है। अलमारी में भी रखो या फिर किसी भी चीज़ गेट के पीछे भी इनको हैंग करो ना, तो काफ़ी ज़्यादा ये जगह लेती है और एक के ऊपर एक साइड में बहुत सारी बेल्ट हमारी इकट्ठा हो जाती है। तो आप क्या कीजिए, इनको ऑर्गेनाइज़ करने का बहुत ही सिंपल सा और अच्छा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको बेल्ट को फोल्ड करना है। बहुत छोटी से छोटी फोल्ड इसकी हो जाएगी, बिल्कुल एक राउंड शेप में। और अब आप इसको किसी भी है ना बॉक्स में डाल के रख दीजिए, अलमीरा में रख दीजिए, एक ही जगह पर आपकी बहुत सारी चीज़ें बेल्ट हैं जो अरेंज हो जाएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी और ईजी टू यूज़ है, कैरी करने में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो जितनी भी आपकी बेल्ट है ना, उनको आप इस तरीके से ही अरेंज करके रखिए। दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ, ऊपर वाला सिर आपको पकड़ना है और जो बेल्ट है उसके अंदर इस तरीके से एडजस्ट करते हुए गोल गोल राउंड में घुमाना है। बस सिंपल सा यही करना है और देखिए कितनी अच्छी से इसकी फोल्ड हो गई है। छोटी से साइज की इतनी बड़ी बेल्ट का बहुत ही हम छोटा सा जो राउंड शेप में बना लेते हैं, जिससे कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, साथ में अरेंज भी हो जाती है। और जब ऐसी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो वो जगह बहुत ही अच्छे से क्लीन लगती है। तो जितनी भी बेल्ट है ना, उनको आप इस तरीके से अरेंज करके रखिएगा अपनी वार्डरोब में या किसी बॉक्स में रख दीजिए, ताकि वहां से आप इनको आसानी से ले पाएं। तो कैसी लगी ये वाली टिप ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि लास्ट टिप है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। दोस्तों जब भी हम नई झाड़ू लेकर आते हैं ना, तो क्या होता है ना, इसमें से ये जो डंडियाँ होती है ना झाड़ू की, ये बहुत ज़्यादा निकलने लग जाती है, जिसकी वजह से जो झाड़ू है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अब ये मेरी ज़्यादा नई तो नहीं है, थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी देखिए इसको मैंने बांध के रखा हुआ है ताकि जो इसकी सीक वगैरह है वो ना निकले, लेकिन फिर भी इसकी सीकें इसमें से निकल रही है। झाड़ू बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो इसको ज़्यादा दिनों तक चलाने के लिए, इसका ख्याल रखने के लिए आप इन चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी नई झाड़ू लेकर आओ, तो आप ये वाली टिप को क्या करना है, नई झाड़ू लेकर आओ ना, तो बस आपको एक काम करना है, जिससे कि आपकी ये सीके हैं बिल्कुल भी ना निकले, आपको लेना है एक जो टेप, मास्किंग टेप का यूज़ करना है आपको। और देखिए यहाँ पर मैं मास्किंग टेप है ना, इस पर अच्छे से कवर कर दूंगी। तो कोई सा भी आप सेलो टेप भी ले सकते हो, चौड़ी वाली सेलो टेप होती है, या फिर मास्किंग टेप हो ना तो वो बहुत ही अच्छी है। तो देखिए इस तरीके से गोल गोल आपको घुमाना है, यानी इसकी कई परतें आपको लगा देनी है, इससे ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगी, साथ में ये निकलेगी भी नहीं, जो इसकी सीके मतलब झाड़ू लगाने के टाइम निकल कर बाहर गिर जाती है, और धीरे धीरे झाड़ू है बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तब जाकर हमें नई झाड़ू बहुत जल्दी लानी पड़ती है। तो झाड़ू बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो इसलिए हमें झाड़ू का ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से इसको सेफ करके रखना है, ताकि जो हमारी झाड़ू है लंबे समय तक चलती रहे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, आप मास्किंग टेप ले लीजिए और इस तरीके से इसको लपेट दीजिए झाड़ू के ऊपर, जितनी दो चार पर लपेटोगे ना आप, तो बहुत ही अच्छे से ये सिक्योर हो जाएगी और बिल्कुल भी इसमें से सीके वगैरह नहीं निकलेगी। तो ये वाली टिप भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, अगर आप भी नई झाड़ू लेकर आए हो ना, तो ये वाली टिप आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी झाड़ू बहुत ही अच्छे से लंबे समय तक चलती रहे। तो ये वाली टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।